ونصلي على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. अल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरह से मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दुनिया की छोटी छोटी और बड़ी अहम बातें सिखाई जो हमारी ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को हम अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें। अगर आपके नमूने को इख्तियार करेंगे तो हमारी ज़िंदगी वो अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم. تو اللہ کی مرضی والی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کے آداب سکھائے، چھوٹے اور بڑے. اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سادگی کا سبق ملتا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کو سادہ بنانا چاہیے. بہت زیادہ زیب و زینت یا تہذیبی رونق یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. جیسے آتا ہے حدیث شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیبل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے ما اکل علی سوانی، اس پر کھانا نہیں کھایا، ولا سکر رجتی، اور نہ وہ جس میں چٹنی اور چھوٹی موٹی چیزیں، وہ سرکہ، اس طرح کی چھوٹی پلیٹوں میں آپ نے کھانا نہیں کھایا، یعنی بس دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے. تو اب اس کے لیے بہت زیادہ سہولتیں جتنی ہوگی اتنی وہ سنت سے دور ہوتی چلی جائے گی. سہولت تو سنت ہی کے اندر ہے، لیکن بلکہ کہیے آپ یہ زینت، سہولت تو سنت میں، پوری سہولت سنت میں، زینت دور ہے سنت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراش للرجل و فراش لامرأته و فراش لضيفه والرابع للشيطان. ایک بستر آدمی کا، ایک بستر اس کے بچوں کا، ایک بستر مہمان کا، اور چوتھا شیطان. مطلب چوتھے سے مراد یہ نہیں کہ چار بستر، مطلب جتنی ضرورت ہے، کسی کے 10 بچے ہیں تو وہ سب اس میں آئے گا دوسرے نمبر میں. تو کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے بچوں کے لیے، کچھ دو چار مہمانوں کے لیے رکھ دو،
अब बहुत सारी चीजें हैं कि ये अलग बेडशीट, ये अलग, तो ये दूसरा असल में फरमाया शैतान, मतलब शैतान आ जाएगा, जब ज्यादा फजूल खर्ची आएगी तो वो शैतान का हिस्सा हो जाएगा। तो हमारे घरों में भी हमें सुन्नत के मुताबिक बनाना चाहिए, और कैसी मामूली बातों की तरफ तवज्जो दिलाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, के रात में जब सोने लगो तो अपने बर्तनों को ढक दो, अपने बर्तनों को ढक दो और दरवाजा बंद कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा दरवाजा बंद कर दो, तो बर्तनों को उलट करके रखो, सीधा ना रखो खुला हुआ, या फिर उस पर कुछ ढक दो, क्योंकि इसमें अब बीमारियां आ सकती हैं, जरासीम गिर सकते हैं, और दरवाजा अगर खुला रहेगा तो कोई भी जानवर या चोर वगैरह वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कितनी उसकी बात है, आदमी की सहूलत की बात है, लेकिन सुन्नत में ये भी सिखाया गया है। अब सुन्नत में सिखाया गया कि हर काम को दाहिने से करना चाहिए, दाहें हाथ में, आप पहले पहने तो कुर्ता दाहिने हाथ में पहने, निकाले तो दाहिने हाथ से पहले निकाले, मोजा पहने तो पहले दाएं पाँव में पहने, निकाले तो बाएं पाँव से निकालें पहले, मस्जिद में आप रखें तो सीधा पाँव रखें, मस्जिद से बाहर जाएं तो जो मस्जिद की हद है उसके बाहर पहला पाँव रखें तो आपका वो बायां पाँव हो। घर में जाएं तो फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ें, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदमी जब घर में आता है और बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो शैतान कहता है कि तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है, अल्लाह का नाम ले लिया ना इसने। अब शैतान अपने चेलों से कहता है चलो ये हम बिस्मिल्लाह के नाम से अब हम नहीं जा सकते। फिर आदमी अपने घर वो जाकर खाने में बिस्मिल्लाह कहता है तो कहाँ खाना भी नहीं मिलेगा, और अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो कह रहा आ जाओ ठिकाने मिल गए, खाने में भी नहीं पढ़ी तो कहा आ जाओ खाने में भी शरीक हो जाओ, इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। और अगर आदमी घर से बाहर जाए बाजार में तो हदीस शरीफ में आता है कि बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अला अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह के नाम से हम बाहर जा रहे हैं, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किए, और ताकत और कुव्वत अल्लाह ही ताला के नाम से है, अल्लाह ही की जात से मिल सकती है। ला हौला वला कुव्वत, और आप दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़लिमा औ उज़लमा, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ कि मैं किसी पर जुल्म करूँ, बाहर निकल रहा हूँ तो इम्कान है जुल्म हो जाए, या मेरे ऊपर जुल्म किया जाए, औ अजहला, या मैं नादानी करूँ, औ युजहला अलैया, या मेरे ऊपर नादानी की जाए, औ अज़िल्ला, मैं फिसल जाऊँ, औ उज़ल्ला, या मुझे कोई फिसला दे। कितनी अच्छी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, इस दुनिया में जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह मैं तमाम शयातीन से, चाहे वो नर हो या मादा हो, वो चाहे दोनों जिन्सों के शयातीन से मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ शयातीन